हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे ओ टी डी आर के ट्रेस कैसे पढ़े जाएँ। बहुत सारे लोगों को दिक्कत थी कि ओ टी डी आर हम ट्रेस तो लगा लेते हैं, लेकिन हम ट्रेस कैसे पढ़ें फाइल में सेव करने के बाद। जैसे हम ट्रेस लगा लेते हैं ग्राउंड पे, तो फाइल में सेव कर लेते हैं हम उसको ओ टी डी आर के अंदर। तो मैंने एक डेमो दिया हुआ है, इसमें आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। तो ओ टी डी आर की फाइल कैसे पढ़ा जाए, तो सबसे पहले ऊपर देखा होगा आपने लेफ्ट हैंड साइड को, सबसे ऊपर डेट आ रही है हमारी। जब जिस दिन भी हमारा ओ टी डी आर का ट्रेस लगा होता है, अगर ट्रेस उस दिन की डेट आ जाती है, इसमें डेट और टाइम आ जाता है। या आप ओ टी डी आर में जाके आप टाइम सेट का ऑप्शन आता है तो टाइम सेट कर सकते हैं। मेरे पास मैंने एक वीडियो भी अपलोड की हुई है जिसमें टाइम सेट करते हैं करा हुआ है उसमें टाइम सेट। तो आप मेरी वीडियोज़ में जाके टाइम एंड डेट सेट करना ओ टी डी आर में देख सकते हैं, किसे टाइम और डेट सेट किया जाता है। तो हम इसे सीधे वीडियोज़ में आएंगे। वीडियोज़ में हमारी एक केबल आई डी दी हुई है, तो सबसे ऊपर हमारे प्रिंट डेट एंड टाइम दिया है, और दूसरी तरफ राइट हैंड साइड को सबसे टॉप में इसमें दिया हुआ है फाइल का नाम जो हम ओ टी डी आर में सेव करेंगे। उसके बाद हमारा जो भी जिस भी कंपनी का ओ टी डी आर है, जैसे इसका जे डी एस यू का हमने यूज़ किया था, तो उसके जे डी एस यू का नाम आ गया है। उसमें केवल आई डी लिखी हुई है, केवल आई डी हम अपने नाम से सेट कर सकते हैं। लोकेशन ए, रिंग वन या रिंग टू, कोई कुछ भी आपको सेव करना है वो सेव अपने एंड से सेव कर सकते हैं। जॉब आई डी किसने सेव की है वो आप अपने वो भी आप एडिट करके लिख सकते हैं। फाइबर आईडी भी आप लिख के देख सकते हैं कौन सी है, 96 का फाइबर है या 48 का फाइबर है, कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं आप। लोकेशन भी लिख सकते हैं, ऑपरेटर कौन चला रहा है वो भी आप अपने एंड से सेट कर सकते हैं। और उसके बाद ये हमारा नीचे दिखा रहा है MTS 2000, ये भी इसका सीरियल नंबर है। उसके बाद 4126, ये भी इसका सीरियल नंबर है। और डेट, ये दोबारा डेट एंड टाइम लिखने के लिए आ गया है। इसके बाद सेटअप में OTDR जो नॉर्मल फंक्शन होता है, कितनी वेब लेंथ लिखी गई है 1550 NM, इसका 100 NS में, 100 NS हमारी पल्स हो गई हैं। उसके बाद हमारा ये रेंज आती है 10 किलोमीटर, कितना हमने सेट किया हुआ है, 10 किलोमीटर या उससे कम, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा इस पल्स टाइमिंग आ जाती है। उसके बाद हमारा ये कितना लॉस आ रहा है लास्ट में। उसके बाद हम जो हम रीडिंग पढ़ते हैं, नीचे बता रहा हूँ आपको। उसके बाद फाइल का नाम आ गया है नीचे, हमने फाइल का नाम सेव किया हुआ था। उसके बाद लेज़र 1550 NM में हमने वेव लेंथ दी हुई है। लिंक लॉस टोटल लॉस दिखा रहा है, ये लिंक लॉस और लिंक ओआरएल कितना आ रहा है। उसके बाद फाइबर एंड कितना किलोमीटर जा रहा है फाइबर हमारा, और ये डायरेक्शन रिंग वन से रिंग टू के और जो हमने ऊपर सेव किया हुआ था। इसी प्रकार कितने इवेंट बने हुए, तो हमारे पास 2 इवेंट बने थे, जहाँ 2 जगह लॉस आया था और दूसरी जगह हमारा फाइबर एंड है, तो ये 2 इवेंट दिखा रहा है। उसी तरह आप नीचे जाएंगे तो हम ए पॉइंट दिया हुआ है, ए पॉइंट 1.039 किलोमीटर में जा रहा है, यहाँ पर -3.806 DB का लॉस दिखा रहा है, तो हमारा ये लॉस दिखा रहा है। उसके बाद हम नीचे पढ़ेंगे हमारे ये जो आपको ग्राफ दिख रहा होगा, ग्राफ के अकॉर्डिंग हम पढ़ें तो 0.1 और 0.2 दिखा रहे हैं। तो 2 इवेंट बने हुए हैं हमारे। तो पहला इवेंट बना हुआ है वन नंबर में, हम देखेंगे 1.792 किलोमीटर में, इसमें लॉस दिखा रहा है -0.075। ये लॉस है यहाँ पर, जो हमारा स्ट्रेट जॉइंट होगा या कुछ भी जुड़ा हो फाइबर, तो हम अगर बैंड भी हो सकता है यहाँ पर फाइबर, तो इसमें -0.075 का लॉस आ रहा है इस लोकेशन पे। ये लोकेशन दिखा रहा है 1.792 किलोमीटर पे। उसके बाद ये इसके स्लोप कितना है, 0.417 पर किलोमीटर के हिसाब से लॉस दिखा रहा है। ये टोटल लॉस हो जाएगा इसका 0.739 का टोटल लॉस हो गया है टोटल। इसके बाद हमारा क्या है, सेकेंड जो पॉइंट दिखा रहा है, सेकेंड इवेंट है जो हमारा, तो हमारे इसमें सेकेंड इवेंट में क्या लगा है, S1 लगा हुआ है। तो ये डायरेक्टली 5 किलोमीटर में ये हमारा टोटल रिफ्लेक्शन कितना है, तो 5 किलोमीटर में जो हमारा रिफ्लेक्शन दिखा रहा है -54.22। तो इसके बाद हमारी फाइबर बैंड हो चुकी है या कट चुकी है, तो वो टोटल स्लोप 0.149 दिखा रहा है और ए सेक्शन 3.209, तो यहाँ पर टोटल लॉस 1.211 हो चुका है। तो ये पॉइंट जो बी है, इसमें हमारा लॉस ज़्यादा आएगा, क्योंकि हमारी फाइबर यहाँ पर एग्जैक्टली कट है या हमने इसको बैंड कर किया हुआ है यहाँ पर, तो ये हमारा फाइबर रीडिंग का। तो इस प्रकार से हमारी जो ट्रेस ओ टी डी आर ट्रेस का फाइल से की हुई हमारी जो रीडिंग है, वो इस तरीके से पढ़ी जाती है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा S1 और S2 का लॉस कैसे दिखाता है फाइबर ट्रेस के अंदर, ओ टी डी आर के अंदर, वो आपको दिखाएंगे, उसके बारे में जानकारी देंगे। इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।